चोरा मेरे मज पम्मण मनि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम्मण मनि सिखा पदंग। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है हमारे श्रमण संघ की। हमको डेली जुड़िएगा और लोगों को भी जुड़िएगा। जी मंजू सिंह जी, बहन जी बोलिए आप। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मंजू सिंह दिल्ली से और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हमें संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले हमें इस पर विचार करना होगा। बाबा साहब ने सबसे कहा था कि संगठित हो, संगठित हम हुए नहीं, कहा था शिक्षित बनो, शिक्षित हो गए और संघर्ष करो, संघर्ष हमने आपस में शुरू कर दिया। मतलब जिन पॉइंट्स को लेकर ये बात कही गई थी उनसे हम बहुत दूर हो गए कहीं ना कहीं। लेकिन जब हमारी 6643 जातियां हैं संगठनों में बच गए और हम लोगों ने ये देखा कि भैया संगठन सिवाय पैसा खाने के या लोगों को बंध लाने के और कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये संगठित तो कर ही नहीं रहे किसी को। तो इसीलिए इस संघ के को बनाने की हमें आवश्यकता पड़ी। ये संघ आज का नहीं है कि आज ही ये हुआ है, ये संघ बहुत पुराना है, ये बुद्ध के समय से भी पहले का संघ है। ये जिस जरूरत है इसको हमें आगे करने के लिए, जिस तरह से कि एक किचन होता है और उसको हम मॉड्यूल कर देते हैं, ठीक उसी तरह से इस संघ को हमें जरूरत है। संघ से लोगों को जोड़ने की, संघ के बारे में हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को बताने की। जब हम सबको बताएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे और जोड़ेंगे, तभी इस संघ का जो निर्माण है वो भव्य रूप से सबके सामने आ पाएगा। तो दूसरा हुआ कि किस तरह से हमें इसमें काम किया जाए। काम करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, सब लोगों को हम जोड़ेंगे इसमें एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि हमारा आया कि 1+10 का फॉर्मूला, 1+10 से इतने सारे हमारे संघ में भाई, संघी भाई जुड़े हैं जिससे कि इस संघ की जो एक से लेकर के 10 तक की जो फॉर्मूले की जो गिनती है वो इतनी हो गई है और इसको हम और ज्यादा विस्तृत रूप में करने जा रहे हैं। इसके लिए लखनऊ में भी मीटिंग हुई है, नागपुर में भी हुई है और जगह जगह जहां भी फिजिकल मीटिंग करने की हमारी पूरी वो रहती है वहां पर कर पाते हैं इनको। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना काल है तो जूम पे भी सभी साथियों के, सभी संघ साथियों के प्रयास से 381 तक हमारी वो पहुंच जाती है गिनती, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस गिनती को हमें 3000 से भी ऊपर करना है। अभी इसमें हमारे कुछ नियम है संघ के, संघ के नियम क्या है, इसमें हमारा किसी से कोई चंदे का लेन देन नहीं होता। जो संगठन करते हैं कि पैसे का लेन देन होता, हमारा संघ में पैसे का कोई भी लेन देन नहीं होता। अगर हम कहीं भी जूम मीटिंग कर, वैसी मीटिंग करते हैं, फिजिकल मीटिंग करते हैं, उसमें हम अपना खाना खुद लेकर के जाते हैं, अपनी चटाई, अपनी चादर बिछाने के लिए, बैठने के लिए खुद लेकर के जाते हैं। तो इसमें हमारा किसी भी साथी पर या किसी भी उसमें बोझ नहीं होता है कि भाई नहीं एक पर ही कर दिया तो फिर उसमें उनकी नियत भी बरगला जाती है। क्योंकि फिर यही से तो चंदे का लेन देन शुरू होता है भाई, कि जब हम किसी से भी कोई भी काम करने के लिए कहेंगे तो उसके मन में तो वो आएगा नहीं कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। और जब हम अपना खाना, अपना सामान, बैठने का, और हम फ्री की, जैसे हमने कहीं पार्क में ही कर ली बैठने के लिए ये फिजिकल मीटिंग, तो वहां किसी को पैसा थोड़ी देना है हमें। तो ठीक उसी तरह से इस संघ के जो हमारा ये है कि भी हम इसमें पैसे का लेन देन नहीं, तो क्योंकि पैसे की हमें आवश्यकता ही नहीं है। दो पराठे अपने लिए लेकर जाएंगे, दो अपने जो हमारे साथ जा रहे हैं उनके लिए, और जो दो उन भाइयों के लिए जो कोई नहीं ले पाए, जैसे कि कोई ड्यूटी से आ रहे हैं उस मीटिंग में तो वो खाना कहाँ से लाएंगे, तो दो उनके लिए। एक अचार ले जाते हैं हम उसमें, तो अचार से अपना खाना खाते हैं, पानी अपने साथ रखते हैं और अपना जो भी हमारे विचार होते हैं आपस में करते हैं, और आगे इसको, इसको इस संघ को किस तरह से विस्तृत रूप में बढ़ाया जाए उस विचारधारा पर काम किया जाता है। तो इकट्ठा होने ना होने के हमारे नुकसान क्या है भाइयों? नुकसान तो आप सबने बहुत सारे देख ही लिए। अब तक हम जगह जगह अकेले थकेले जैसे पड़े हैं, तो पिट भी रहे हैं, अत्याचार सबसे ज्यादा हमारे ऊपर हो रहे हैं, तो ये इकट्ठा ना होने के ही तो नुकसान है।
और इकट्ठा होने के फायदे क्या है? आप सब सोचेंगे कि चलो नुकसान तो यही धन जी ने गिना दिए, फायदे क्या है? तो फायदे तो भाइयों आपने देख लिया होगा, किसान जब 1 साल से भी ऊपर इकट्ठा हुए, उन्होंने एक ऐसी सरकार को जो कि झुकने को ही तैयार नहीं थी, तीनों काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा तो उदाहरण आपके सामने ये है, चाहे 700 मौतें हो गई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे उसमें इकट्ठा हुए सब साथी किसान भाई सब साथ हुए, तो उन्होंने एक ऐसी सरकार को जो निष्ठुर है, जो किसी की भी भावनाओं को किसी भी उसका कोई सम्मान ही नहीं करती, उसको भी वो तीनों काले कानून वापस लेने के लिए उन्होंने विवश कर दिया। हमारे अपने भाइयों ने जब इकट्ठे हुए अप्रैल में, तो इन्होंने जो ये ला रहे थे एक ऐसा हमारा संविधान ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जब भाई साहब ताकत को इन्होंने दिखाया तो सरकार झुकती है, सरकार उछल पुछल बच जाती है जब एक समाज एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो हमें अपनी वो इकट्ठा होने की अपने संघ की ताकत को पहचानना है, हमें इकट्ठा होना ही होगा, अब नहीं तो 10 साल बाद होंगे, लेकिन जब क्या होगा, जब हमारे हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, हमें ये इकट्ठा होने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, अभी हमारे पास में समय है, तो अपने आप को हमें इकट्ठा करना ही होगा, नहीं तो हम बहुत बुरे कगार पर हम आ चुके हैं, और ये एक नई पार्लियामेंट ही नहीं बना रहे हैं, हमारे संविधान सबको खत्म करने की इन्होंने जो रणनीति बनाई है साथियों, हमें उसको बचाना होगा और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अब हमारे पास में कोई बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं है, कोई मसीहा नहीं आएगा हमें बचाने के लिए, हमें अपने भाइयों की मदद से अपने समाज को चेताना होगा, उनको जागृत करना होगा, और उनको हमें बताना होगा कि भाई इकट्ठे होना है, हमें इकट्ठे होने में एक मुट्ठी बनने में ही फायदा है। झाड़ू की सीख भी अगर आप देखेंगे, एक अकेली सीख को तोड़ना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन वही जब बहुत सारे छिनके जब मिल जाते हैं तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। हमें वो गठर बनना है, हमें अपने समूह की ताकत को पहचानना है, और हम इकट्ठा होंगे। एक अकेला कबूतर कभी जाल नहीं उड़ा सकता था, शिकारी ने भले ही 1000 कबूतरों को एक जाल में जब फंसा लिया, लेकिन जब उन कबूतरों ने अपनी ताकत को पहचाना भाइयों, तो वो सारे कबूतर उस जाल को लेकर उड़ गए। ठीक उसी तरह से चाहे हम पर कोई कितने भी जाल फैला ले, चाहे हमें रोकने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन यदि हमने अपनी संघ की ताकत को पहचान ली, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, अगर मैं बिहार में आवाज लगाए मेरा भाई, तो मुझ में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं दिल्ली में बैठी अपने उस बिहार के भाई की आवाज को यहाँ उठाऊं, अपने जो लोग हैं, जो मेरा संघ है मेरे साथ में, मैं उसको लेकर के इकट्ठा हूँ, एकत्रित हूँ, और उस भाई की आवाज को वहां तक भी पहुंचाऊं। लेकिन उस ठीक उसी तरह से जो भाई मेरा पंजाब में चिल्ला रहा है, हरियाणा का भाई, उसकी आवाज पे वो दर्द महसूस करे, ये संघ की ताकत है भाइयों। एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वहीं पर हम 10, 20, 50, 100, 1000, 1,00,000 की तादाद में होंगे, तो हमारे सामने किसी की कोई ताकत नहीं है कि कोई बोल जाए, हमें अपनी उस ताकत को सिर्फ पहचानना है। संघ की पहुंच हर जगह है, जहां समन संघ ही रहते हैं, भारत के लोग वही है, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के निवासी हैं, इस उसमें हमारे दादा परदादा परनाना परनानी ये राज किया करते थे, ये संघ हमारे दादा परदादा परनाना परनानी के जमाने का है भाइयों, ये आज का नहीं है, ये हमारा अपना संघ है, ये हमारा अपना भारत है, हम यहाँ के लोग हैं। संघ का दर्शन बहुत सीधा साधा है भाइयों, संघ शक्ति है, संघ की संघ में ही शक्ति है, हमारे जो इकट्ठा होने में ही हमारी शक्ति है, अगर हम अकेले अकेले पढ़ लें, मंजू सिंह कुछ नहीं है, वी द पीपल बहुत कुछ है, वी द पीपल हम सब लोग आते हैं, और जातियों से छुटकारा पाना चाहते हो भाइयों, तो अपनी पुरानी संस्कृति और बुद्धिज्म को व्यवहार में हमें लाना ही होगा। सन्नी पात्र होता था, हम शनिवार के शनिवार एक मीटिंग करते थे, सब मिलते थे, उस चीज को हमें बिल्कुल अपने व्यवहार में लाना होगा। अगर हमारी जूम मीटिंग चल रही है, तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम 10 लोगों को और उसमें जोड़े। ये संख्या आज जो 381 तक पहुंची है, ये ऐसे ही नहीं पहुंची है, पहले हम 40-50 लोग जुड़ते थे, उसके बाद हम 60-70 हुए, 80-90 हुए, 100 हुए, 150 हुए, जब 150 हुए तो हम लोगों को बहुत खुशी होती थी, लेकिन आज हमें और ज्यादा वो है, लेकिन इस पर हम कितना काम कर रहे हैं, आप सबके सहयोग के बिना हम 0 है। लेकिन वही जब 1, 2, 3 के पीछे 0, 0, 0 लगता जाता है, तो उसकी कितनी अच्छी काउंटिंग हो जाती है, जब 1 के पीछे 3 0 लग जाए तो वो 1000 हो जाता है, लेकिन 1 के आगे 0 लगे तो वो 0 ही रहता है। तो इसी तरह से हमें अपने आप को
बहुत अच्छे से और मजबूत तरीके से आगे लाना होगा। समण संघ अपने द्वारा संघ के लोगों के लिए संघ का ही कार्य करता है, किसी और के लिए हम कार्य नहीं करेंगे, संगठन के लिए कार्य नहीं करेंगे। हम समण संघ संघी है, अपने संघ के लिए कार्य करेंगे, अपने समण संघ की नीति से अपना मालिक हम खुद बनेंगे। हम अपना मालिक किसी और को बनने का हक देंगे नहीं, हम समण संघ की नीति के द्वारा अपना मालिक खुद बनेंगे। समण संघ के संस्थापक हमारे दादा दादी, परनाना परनानी, ये बहुत पुराने उसमें है, हमारा अपना समण संघ है ये, इसका हम सदा आदर करेंगे। समण संघ में हमारा इससे किसी भी संगठन से किसी भी प्रकार का हमारा चंदे का लेन देन नहीं होता है, ना ही हम इसमें किसी से भी अपने पैसा लेते हैं। ये बात हम अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को जरूर बताएं कि कोई भी अगर पर्ची काटने आए भाइयों, तो उनसे पूछे कि इतने सालों से आप पर्चियां ही तो काट रहे हो, अरे भाई उन पैसों का हिसाब तो दो, आपने उसका किया क्या है। एक बाबा अम्बेडकर जी अपना हमें भवन खरीद करके दे गए थे दिल्ली में, अम्बेडकर भवन, उसके अलावा आपने क्या बनाया है? कहीं बनाई है बैठने की व्यवस्था? कहीं बनाई है? 1500 लोगों को अगर हम इकट्ठा करें तो कहाँ लेकर बैठे? कुछ किया है आज तक? या सिर्फ आ गए साल में दो बार, एक दिन बाबा साहब के जन्म दिवस के दिन और एक दिन महापरिनिर्वाण के दिवस, कि भाई चंदा काट दो, पर्चियां काट दो, कि भाई ये आप जो है आज तक जो बाबा साहब ने आपको ये नौकरियां दिलवाई है उसके नाम पर आप हमसे वो लेते रहे हैं, क्यों भाई? आज तक आपने कभी इकट्ठा करने का काम किया हमें? अगर नहीं किया तो चंदा लेने का आपको कोई हक या अधिकार नहीं है, हम चंदा नहीं देंगे। ये बात हम अपने रिश्तेदारों को अवश्य बताएं। जब इकट्ठा आप हो जाओगे भाइयों, तो आपके अधिकार जो खत्म किए जा रहे हैं वो वापस आएंगे। संघ की मान्यता ही हमारे लिए सर्वोपरि होगी, संघ का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ये हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जो हमारे संघ का निर्णय होगा वो बिल्कुल हमारे लिए सही होगा और वही सर्वोपरि होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारे संघ में स्पोक की मीटिंग भी होती है, उसमें जो भी भाई अपनी बात कहते हैं, जो कमियां होती हैं उसमें, वो हम उसको पूरी करते हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय भी होते हैं, उनको भी जो हमारे अंदर कोई बात हो, कमी हो, तो सभी साथियों का उसमें विचार लिया जाता है। संघ में किसी एक व्यक्ति का मत नहीं होता, संघ में सभी का मत होता है। उस मत में जिसका भी सर्वोपरि होता है या जो बात होती है वो रखी जाती है। इसमें सभी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। तो भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई कमी हो, कुछ वो हो, तो प्लीज इसमें जरूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good time.
कोटी संगम शरण गच्छामि। Sangam Sarnam Gacchami।